पॉजिटिविटी तो शायद लेती नहीं, वे बातों को वो मेरे नेगेटिव अंदर मेरी ना बहुत पॉजिटिव सारी बदलती कमियां है। हैं, ठीक है, तुम्हारे अंदर वही बात नहीं आ है, गई, फिर तुम वही बात। एकदम परफेक्ट हो, ठीक है, जाना है तुम्हें, गैप लेना है, तुम निकलो यहाँ से, मुझे आने की कहीं जरूरत नहीं है। गाइस कैसे हैं आप सब लोग, यार हो बहुत ही बढ़िया होगे। मैं सच चौला आप लोगों का भाई आ गया आज मजेदार वीडियो के साथ। तो गाइस आपके लिए मजेदार वीडियो हो सकती है बट मेरे लिए मजेदार नहीं है, क्यों? क्योंकि भाई अभी मेरे ना प्रीति से हो गया भाई बहस, ठीक है, बहस क्या होगी भाई, छोटी मोटी बातों पे अनबन मन 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 मन, और यहीं पे बैठी हुई थी मेरे पास ही, बाहर चली गई है जाकर उठकर। तो बस प्रॉब्लम कुछ भी नहीं थी, वो जो भी थी वो सब पता नहीं वीडियो में अगर आएगी या फिर वो मैं उसको बुलाने वाला हूँ। तो मैंने भाई कैमरा सेट कर दिया है, प्रैंक करने वाला हूँ, बहुत ही जबरदस्त प्रैंक करूंगा, खतरनाक प्रैंक कर दूंगा भाई, ठीक है। तो वो जो प्रैंक होगा ना उसके अंदर देखते हैं कि उसके क्या रिएक्शन आते हैं, वो इमोशनल होती है, गुस्सा होती है भाई, कितना कूटती कितना मारती है, वैसे तो आपको बताइए है। तो वही चीज़ देखेंगे क्या होता है वीडियो के अंदर। तो वीडियो में बने रहना भाई, आपको करना क्या, बस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और अपना प्यार प्लीज दिखाना, सपोर्ट दिखाना। तुम्हारा भाई बड़ी मुश्किल से आया है यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर ही रहूंगा, आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आता रहूंगा। देर होगी, मैं बड़ी देर से वेट कर रहा हूँ, अभी तक अंदर तो आई नहीं है, मुझे आवाज़ माननी पड़ेगी, तो आवाज़ मान के उसको बुला लेते हैं एक बारी, ठीक है। प्रीति प्रीति भाई सुन रही है नहीं सुन रही पता नहीं, क्या क्या है अब शक्ल देखने के लिए बुलाया मुझे? बैठी जरा, क्यों बैठ जा, दो मिनट बात करनी है कोई, अब और लड़ाई करनी है, पहले कम हुई है, लड़ाई नहीं करनी, बिल्कुल सीधे बात करनी है, वो समझ आई, कर ले शांति से बैठ के, तो ज्यादा अच्छी बात है। हाँ बोलो, तेरी भलाई है उसमें, मेरी हाँ, मेरी भलाई तुम्हारे साथ, हाँ मेरे साथ के लिए ही है वो, मतलब मैं भलाई दे रहा हूँ तेरे को, टेंशन मत ले, बोल बोल बोल, क्या बोलो, बोल, मैंने बोला बोलो, बोल, पता नहीं सुनाई जाता देता होगा शायद आपको, कोई बात नहीं, वो तो पता चल जाएगा, आगे बोलना है, क्या बोलना है बोलोगे जल्दी, ऐसे दिमाग मेरा खराब करो मत, हंसने की जरूरत है नहीं, हंसने वाली कोई बात नहीं है, मजाक नहीं चल रहा। चलो देखने के बुलाया, देख ले चली जाओ, अच्छे से देख ले, अभी इसलिए बुलाया कि शक्ल अच्छे से देख ले, मैं भी देख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ ना सोचा है, तुम तो रोज ही सोचते हो, बहुत अच्छी चीज सोची है जिसमें तेरा भी फायदा है और मेरा भी फायदा है। अरे आगे बात करो ना यार, ऐसे बता क्या घुमा फिरा के क्या बोल रहे हो, सीधी बात करो ना, क्या है सोची, जो तेरा है, इरिटन, ये है, जो तेरा वो ये है, बोल लिया, बोलू, हाँ, ये तेरा वे है ना, इसी वे की वजह से ही वो चीजें मैंने, किसकी वजह से हुआ ये वे, किसकी वजह से नहीं हुआ, किसकी वजह से हुआ ये वे ही ऐसा ही है, तभी वे पे बात हो जाती है जो हाईवे तक पहुंच जाती है। कोई बात नहीं, हाईवे तक रोड बनाने के लिए भी ना किसी का हाथ होता है, किसी का हाथ नहीं होता, उससे भी बहुत सारे हाथ होते हैं। हाँ कोई बात नहीं, चुप रहो अभी, मैं चुप ही हूँ भाई, मैं तो बोल ही नहीं रहा, इसलिए तो मैं बस एक नॉर्मल सा सीधा सा फैसला लेने आया हूँ, और ये मैं पूछ नहीं रहा, मैं बता ही रहा हूँ सीधा कि ना ये हम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या शक्ल देख ले भी, क्योंकि फिर पता नहीं आगे शक्ल अभी मिलेगी नहीं मिलेगी देखने हाँ, के लिए हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ढाई दो साल से देख ही रही हूँ, दो ढाई साल से देख लिया ना, तो बस यही मेरा था कि क्या था बताओ अभी, कोई बात नहीं, तो ये खेल ले उससे या इसको साथ ही ले जाइयो, ठीक है, इसकी पूंछ बना दी मैंने, पूंछे ही बनाओ, कोई बात नहीं, बताओ क्या सोचा है? मैंने ये सोचा है कि ये देख हमारी ना ये रोज की किस्से जो ऊट पटांग के या फिर बेमतलब की लड़ाइयां ना, ठीक है, भाई मेरे भी फ्रेंड्स हैं, उनके भी वाइफ हस्बैंड वाइफ्स हैं वो लोग, हाँ, भी ठीक है, और काफी अच्छे से रहते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं उनमें भी, ऐसा कुछ नहीं है, पर तेरा कुछ ज्यादा ही मेरे साथ, कभी हाथ पैर मारना, ठीक है, कभी बाल खींचना, है ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उस चीज से, मगर एक टाइम तक हो जाता है, एक टाइम तक हो जाता है भाई,
एक पेन पर आ जाती है वो चीज, ठीक है। तो फिर यही है इसके लिए कि थोड़ा सा हम अपने आप को गैप देते हैं। अच्छा, हंसने वाली बात नहीं है, मैं सीरियस हूँ अब। मैं इसके ऊपर हंस रही थी। हाँ, कोई बात नहीं, उसको खेल ले फिर बात कर लेंगे। आगे 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 गैप चाहिए, कैसे किस टाइप का गैप है, मतलब क्या गैप, कैसा गैप, गैप हो खुल गया, कैसा गैप, या तो खेल लो पहले आप उसके साथ। नहीं, मैंने खेल लिया, वो तो मैं खेल रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं बात भी कर रही हूँ तुमसे, ऐसी बात नहीं। हाँ, तो मैं जो बात करूँ ना वो सीरियस बात है थोड़ी ज्यादा। अच्छा, तो उसको लीनियंट मत लेना, ठीक है। तो वो यही कह रहा हूँ कि हम ना गैप लेते हैं, ओके, क्योंकि हमारा आपस में ना एडजस्ट नहीं हो पा रहा शायद। ओ अच्छा, ठीक है। बहुत जल्दी बातें लेती है अपनी उल्टी, पॉजिटिविटी तो शायद लेती नहीं, वे बातों को नेगेटिव, मेरी बहुत सारी कमियां है, ठीक है। तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम एकदम परफेक्ट हो, ठीक है, तुम परफेक्ट रहो, ठीक है। जो सीधी बात है घुमा फिरा के इतने बोलने की जरूरत नहीं है, जो बात है सीधा बोल दो, क्योंकि मेरे को ना ये फालतू की रोज के तुम्हारे भी मुझे भी नहीं चाहिए भाई। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, देखा भी बोल रहा हूँ, तूने बात ले रही है उल्टी, कि मैं परफेक्ट हूँ, यू इनपरफेक्ट। हाँ, मैं नहीं हूँ, मैं खुद ही कहती हूँ ना, तुमको लग रही है ये चीज, तो ठीक है, मैं हूँ इनपरफेक्ट। आगे ये गैप क्या चाहिए, सीधी बात, मेरे को घुमाना, रोड रोड नहीं, सीधा पॉइंट, रोड रोड नहीं, मैं पॉइंट पे ही बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे को चाहिए गैप, गैप होगा किस टाइप का गैप, क्या गैप बहुत तरीके के, डिवोर्स होता है या फिर क्या क्या, किस टाइप का गैप, सीधे क्लियर करो ना। मतलब गैप नहीं होता, डिवोर्स का मतलब पूरा गैप ही हो जाता है, वो पूरा गैप ही हो जाता है, वो ओवर होता है, वो एंड होता है, उसके लिए मैं आगे 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 कौन सा गैप, गैप चाहिए, क्या गैप हो, जब एक रबर बैंड को जितना मर्जी खींचते जाओ हाँ, खींचते जाओ हाँ, या तो बैंड में टूटता है, ठीक हाँ, है, या उसको जब थोड़ा सा छोड़ दोगे हाँ, ना हाँ, हाँ, तो अपने साइज में नॉर्मल आ जाता है, हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि जो जितना खींचा गया है ना हाँ, अब उसको एक जगह स्टॉप लगाते हैं कि वो टूटे ना। अच्छा, उसको एक बार नॉर्मल साइज में ले आते हैं वापसी, ठीक है, उसको थोड़ा सा आराम मिल जाए, रिलैक्स हो जाए थोड़ा सा, रिलैक्स होने के बाद फिर बोल रही हूँ वही चीज की घुमा रहे हो, सीधी बात कर दो ना कि ये चीज चाहिए, ये चीज सीधी बात ना सीधे बंदे से की जाती है, मैं सीधे बंदे से बात ऐसे करने सकता हूं। क्यों घुमा रहे हो, तो मैं कह रही हूँ सीधा बोल, तो मैं ये चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि ऐसा करते हैं कि आप थोड़ा टाइम अपने घर चले जाओ, ज्यादा टाइम नहीं, थोड़ा टाइम ही बोलूंगा, मतलब मान लो लगभग 6-7 महीने। अच्छा, हाँ हाँ, आगे इसमें हंसने वाली क्या बात है, तुम क्यों हंस रहे हो मेरे को देख के, मेरे को देख के हंसी आ रही है, मैं जो उल्टी बातों पे हंसी आ जाती है कभी कभी, सॉरी। उल्टी बात क्या है, नहीं आगे बोलो ना, आज 6-7 महीने मैं अपने घर चली जाऊँ, फिर उसके बाद मैं आ जाऊँ, गैप है। अच्छा, गैप है। अच्छा, क्या मतलब 6-7 महीने आप मेरे से आप अलग रहो, मैं 6-7 महीने अपनी यहाँ रहता हूँ, मैं आपको पूरी फ्रीडम देता हूँ, मतलब फ्रीडम तो मैं क्या ही देता हूँ तुम्हें, मैं कौन होता हूँ फ्रीडम देने वाली, वैसे भी तो मैं कौन ही होता हूँ फ्रीडम देने वाली, बट You do whatever you do want. Okay. तो आप जो मर्जी करो अपना वहाँ पे, ठीक है, मतलब मैं जो मर्जी यहाँ पर भी हूँ, हाँ, मुझे वहाँ पे जो मर्जी करना होता है वो मैं यही यहाँ भी कर लेती हूँ, मुझे वहाँ करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे मैं कुछ ऐसा अलग नहीं करूंगी जो बहुत अलग ही होगा, ठीक है, यहाँ पर भी मैं वही करती हूँ जो मैं वहाँ पे करूंगी। नहीं, यहाँ पे फिर भी कहीं जगह पे आपको बाउंडेशंस हो जाती होंगी, कि लगता होगा कि यार मेरे को जो करना है वो मैं करती हूँ, मैं बाउंडेशन में किसी की नहीं देखती बात में, मुझे खुद जो करना है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं वो चीज गलत नहीं कर रही, मेरी सीधी बात है, जहाँ पे मैं गलत, मुझे लगता है कि जो ये चीज गलत है करनी, तो वहाँ मैं खुद ही वो चीज नहीं करती कि कोई मुझे रोके, और आज तक मुझे रोका किसी ने है भी नहीं, क्योंकि मैंने वो ऐसा कुछ काम किया ही नहीं है कि जो मुझे नहीं प्रीति ये नहीं करना। और कपल्स को भी देखता हूँ ना कि भाई वो भी तो रह रहे हैं अच्छे से, सभी भाई देखो सीधी बात करते हैं, हर जगह होती है सीधी बात, कोई बात नहीं है। अच्छा, मेरा क्या फैसला, इस फैसले से क्या दिक्कत है, अगर मैं तुम्हें एक मौका ही दे रहा हूँ कि भाई ठीक है आपको घर भी जा रहे हो, तो घर की बात नहीं है, घर जाना मेरे, वो मेरा घर है, मिलने आऊंगा बीच में, नहीं नहीं मिलने की जरूरत ही नहीं है ना, मेरी बात सीधी बात है ना, मेरी बात तो सुनो, वो मेरा घर है, मेरे वहाँ के लिए जो घर है ना मेरा, वहाँ पे दरवाजे मेरे लिए हमेशा खुले हैं, जब मैं बुढ़ी भी हो जाऊंगी ना वहाँ पे तब भी खुले हैं, अगर मैं उनको बोलूंगी ना कि मेरे को आना ही है हमेशा के लिए भी आना है, तो वो मुझे मना नहीं करेंगे, मेरे पेरेंट्स को तुम अच्छे से जानते हो, क्योंकि वो मुझे जानते हैं,
कि मैं कैसी हूँ, कि तुम्हें गैप चाहिए, मैं तो उनको भी बोलूंगी सीधे की बात की, और भाई वो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि उनको गैप चाहिए, तो मेरे घर वाले यही बोलेंगे कि नहीं गैप की जरूरत नहीं है बेटा, फिर अच्छे से गैप ले लो, कि उनको नहीं होगा ना कि हाँ भाई ये कोई तरीका थोड़ी होता है कि 6 महीने के लिए आप अपने घर आ जाओ, आप अपने घर चले जाओ, 6 महीने तुम कुछ कर रहे हो, मैं कुछ कर रही हूँ, फिर जाके फिर दोबारा से बैठ जाओ एक साथ, ये इसका कोई लॉजिक नहीं बनता पहली बात, ठीक है, क्लियर बात करो क्या है ये, क्लियर, ये बहस जो हुई थी वो क्या बहस हुई थी, वो बहस मैं कह रही हूँ 100% में से 90% में 10% भी नहीं कह सकती, लोग जो बिना लड़े रहते होंगे या जिनके बीच में लड़ाई नहीं होती होगी, देखो हमारे बीच में लड़ाई होती है तो हमारे बीच में मजाक भी होता है, हमारे बीच में सब कुछ होता है, बॉन्ड जो होता है वो इन्हीं सब चीजों से होता है, अगर तुम इन सब चीजों को लेके या तुम्हारे को लग रहा है कि गैप लेना है तो फिर तो ऐसे तो लाइफ टाइम भी नहीं चल सकती हमारी चीज, ठीक है, हर एक साल के फ्रस्ट्रेट होना, नहीं फ्रस्ट्रेट हो तो सीधा बोल दो, नहीं मैं तो फ्रस्ट्रेट हूं ही नहीं, मैं तो काम डाउन होता हूं, बट फ्रस्ट्रेट तो हो जाता है, मेरा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, तुम मेरी टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं तो फिर भी मैंने बोला तुमको कि मेरे को गैप चाहिए, मैं एक काम करती हूँ 6 महीने के लिए अपने घर चली जाती हूँ, उसके बाद फिर 6 महीने बाद फिर आ जाऊंगी, ये तो अनलॉजिकल चीज है ना यार, मैं क्यों बोलूंगी, ये चीज है, ये चीज लॉजिकल है, मैं क्या कह रहा हूं, मैंने इसलिए एग्जांपल ये जो 6 महीने होते हैं ना, तो फिर 6 महीने के मुझे चल भाई कम कर ले, 5 महीने मुझे रहना ही नहीं है, 25 दिन कर ले, तुम मेरे साथ इतनी परेशान हो गई, तुम मेरे को 6 महीने के तुम मेरे को मेरे घर भेज रहे हो, तो फिर काम करते हैं ना, मैं भी एंजॉय करूंगा अपने लाइफ में, तो अपनी जगह वहां पे एंजॉय कर, मैं अपना एंजॉय, मुझे पता है मुझे क्या एंजॉय करना है क्या एंजॉय करना है, तुम मुझे नहीं रोक सकते ना, मैं तुम्हें रोक सकती एंजॉय करने के लेन के चक्कर में, हम क्या करते हैं एक दूसरे को भेजते हैं ना, बेस्ट की बात ही नहीं है इधर बेटा, कोई ट्रस्ट की बात ही नहीं है, देख मेरे को तेरे ऊपर पूरा ट्रस्ट है, तेरे को मेरे ऊपर ट्रस्ट है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, बाकी okay, मतलब अब ये भी मतलब क्वेश्चन आ जाए कि तेरे को है कि नहीं है, मेरे को है, ये क्या बात होती है, कोई अनलॉजिकल की चीज है ना, सुन अभी तूने मेरे को देखो सबसे बड़ी बात मेरा घर है ये, ठीक है, मैं तो मुझे नहीं बोल सकती कि मैं 6 महीने के लिए कहाँ जाऊंगी और मैं कहाँ नहीं जाऊंगी, तुम होते ही नहीं हो कोई बोलने वाले पहली बात, ठीक है, जाना है तुम्हें गैप लेना है, तुम निकलो यहाँ से, मुझे आने की कहीं जरूरत काम कर 6 महीने के लिए मुझे बोल दे फिर, क्यों बोल, अरे मैं क्यों बोलूं, तुम अपनी मर्जी से जाओगे, मैं तो केस फाइल करवा दूंगी, मेरे को क्या दिक्कत आ रही है, मैं तो ले लूंगी, मेरा पति मुझे बोल के गए कि 6 महीने के लिए बाहर जा रहे हैं, और 6 महीने जब पुलिस वाले भी ये कहते हैं कि अगर जो 6 महीने तक एक साथ नहीं रहते हैं तो वो डिवोर्स लेते हैं सीधा, तो फिर जो वो जो डिसीजन होगा फिर घर वालों का होगा, मैं तो वैसे कुछ बोल नहीं सकती, वैसे शरीफ सी हूं, मैं क्या बोलूंगी, तो तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है वो तुम करो, जो मुझे करना है तो मैं कर ही रही हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, तो मैं मेरे से परेशानी है ज्यादा तो बात करो, बात कर ली, तुम्हें चाहिए 6 महीने का गैप, तो मैं तो यहाँ से देखो कहीं जाने नहीं वाली, क्योंकि ये घर मेरा है, तुम्हारा था जो भी था घर मेरा है, ये घर तेरा है, ठीक है, तो मैं चला जाऊंगा 6 महीने के लिए ना, हाँ तो तुम जाओ ना, मैं वही तो कह रही हूँ, मैं कल ही जाके पुलिस में लिखवा के जाओ, लिखवा के, हाँ क्या लिखवाऊं, अच्छा क्या लिखवाऊं, लिखवा के जाओ कि मैं अपनी बीवी से परेशान हो गया हूँ, किस रीजन से घर छोड़ के जा रहे हो, 6 महीने के लिए घर छोड़ के जा रहे हो, जा रहा हूँ छोड़ के, घर छोड़ के नहीं जा रहा, 6 महीने छोड़ के जा रहे हो ना, जो भी जा रहे हो यार, जा तो रही हो ना, तो ये फाइल ये कल पुलिस में लिखवा दो और चले जाओ, मेरे मेरे उससे जहाँ भी जाना है, बस इतना करके चला जाऊँ, चला जाऊँ ना, फिर उसके बाद तो तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, फिर उसके बाद कि मैं बीच पीछे बाद में मेरे को परेशान कर रहे हो, पता चले पीछे, वो एक अलग चीज है भाई, वो तो सब में होते परेशानी तो मेरे को होएगी, अब इतने साल के किसी के साथ रहोगे तो उसके बाद फिर क्या कहते हैं वो बंदा चला जाएगा, तो दुख तो होता ही है ना, कलेश किस लिए था, कलेश तो तुम करते हो, मैं थोड़ी करती हूँ, कलेश तो तुम करते हो, मैं थोड़ी करती हूँ, कलेश भी मैं ही करता हूँ, ये नहीं कि आगे जिंदगी देखे बंदा, ये हर छोटी छोटी बातों को लेके पकड़ के बैठ जाना, उल्टी पुल्टी बातें करना है, उल्टा जिससे पता है कि जिस चीज से उसको प्रॉब्लम होगी तो वही चीज दोबारा रिपीट करना, वही बात दोबारा रिपीट करना, 10 बार समझा दिया मुझे ऐसी चीजें नहीं पसंद, मुझे ये चीज नहीं बोलनी, बोलो मत बोलो नहीं करना, अब ये देखो गैप चाहिए इनको, दिलवाओ गैप इनको, इनके गैप दिलवाएंगे हम अच्छे से, टेंशन भी ले रहे हैं, न जिएंगे न जीने देंगे, बात वही तो बोल रहा हूँ, मैं कपल्स को देखता ना, उनकी वाइफ को देखता हूँ, हाँ तो उनके वाइफ उसके हस्बैंड को जाके ये बोलना, अब उसकी वाइफ को जाके ये बोलना कि तुम दोनों ना 6 महीने का गैप ले लो, और उसके बाद वो क्या बोलेगी डिसीजन वो मुझे आके बताना, इतना दुखी है ही नहीं ना जितना दुखी हम हो रहे हैं, मैं तो नहीं हूँ,
हुआ है तो भी दुखी। मैं तो दुखी हुई नहीं, तो दुखी। मैं तो ऑन द स्पॉट में से लिखवा के ले लो, बीच में बोल पूछवा। अभी भी मेरे को बोल रही थी कि मेरे को तुमने परेशान करके रखा है। वो एक गलत बात है यार, तो भाई मैं क्या बोल जाता है, तेरे लिए बोल रहा हूं। ये क्या ऐसे जो मन में होगा भाई बोलेगा ना बंदा। तुम्हें जो समझना है वो समझो, जो समझना समझो का मतलब नहीं समझ आया मुझे तो। तुम्हारे को जहाँ तुम्हारा दिमाग जा रहा है मेरे को उस चीज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तुम्हें जो सोचना है वो तुम सोचो, मैंने तुम्हें अपना बता दिया। तो तू दुखी नहीं है मेरे से? नो बेबी, यही रहना चाहती है। हाँ, तुम्हारी छाती पे रहूंगी। मेरी छाती पे रहेगी? इसी घर में रहूंगी, शादी करी है मैंने, ऐसे थोड़ी आई हूँ, भाग के थोड़ी आई हूँ। मेरे घर वालों ने इज्जत के साथ भेजा है मेरे को यहाँ पे, इज्जत के साथ ही। अगर तुम्हें भेजना है मुझे अपने घर, तो मेरे मम्मी पापा को बुलाओ, डिसीजन बताओ और भेज दो। इज्जत से? इज्जत से ऐसे नहीं जाऊंगी। तो अभी मैं क्या करूँ, धक्के मार रहा हूँ? ये धक्के मारने ही होते कि 6 महीने तो अपने घर चले, फिर मेरे घर वाले डिसीजन लेंगे ना कि लेके जाना अपनी मेरी लड़की को, नहीं लेके जाना। तो ये थोड़ी बोल रहा हूँ भाई, मैं तेरे घर वाले को क्यों बोल रहा हूँ, घर पे थोड़ी बोल रहा हूँ कि पापा, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि आगे इसको लेके जाओ यहाँ से, ये करो वो करो। लेकिन ये करना है, ये करना पड़ेगा, क्योंकि शादी तुम मेरे घर वालों की मर्जी से करके लेके आए हो। तो कलेश वाली बात है ना, कलेश थोड़ी करना। कलेश आई नहीं यहाँ पे, कौन सा कलेश? मुझे बताओ, मैं तो मेरे मम्मी घर वाले पूछे तुझे तेरे पति से कोई दिक्कत है? मम्मी नहीं कोई दिक्कत नहीं, ऐश की जिंदगी जी रही हूँ। फिर मम्मी बस रहने के लिए आई हूँ, तो एक काम करियो घर पे बताइए। मतलब मैं तो बताऊंगी, और मैं ऐसे जाऊंगी नहीं यहाँ से, मैं मेरे मुंह से उल्टा सीधा निकल जाएगा खाना का, फालतू की बातें मत किया। उल्टा सीधा अब रह क्या गया? उल्टा सीधा निकलने के लिए और क्या, मैं क्या ही बोल देती हूँ ऐसे, तो तुम इतना बुरे रह क्या गया? तुम तो उससे बड़ी बड़ी बातें बोल देते हो बस। वही उस टाइम पे कहीं पे कैमरा, हमारे घर में कहीं कैमरा फिट नहीं है, कहीं कैमरा लगा हो ना तो पता चले कि गलती दोनों की होती है, हमेशा वन साइडेड गलती नहीं होती है। और हमेशा तुम यही सोच रहे हो कि हमेशा मेरी गलती होती है, तो वो चीज गलत। और अभी जो तुम इतने शांति से बात कर रहे हो ना, तो मैं खुद ही इस टाइम मैं भी हो रही हूँ बोलने की बारी आएगी तभी बोलूंगा। मुझे तो लगता है बोलने इलॉजिकल घुमाने फिराने, इलॉजिकल घुमाने फिराने वाली बातें मेरे को समझ ही नहीं आती, पहली बात सुननी नहीं है। तो क्या सुनना है? कुछ भी नहीं सुनना, मेरी बात खत्म, मेरी साइड से फिनिश्ड। अब आपको कुछ बोलना है तो बोलना है, बोलो, वरना अदरवाइज मेरे को सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ सुनने में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो गाइस आप लोग देख रहे हो ना कि भाई ये बीवी क्या क्या हाल करके बैठी हुई है मेरे। यार तुम पागल हो क्या? देख लो आप लोगों के सामने है भाई, इतना ज्यादा दुखी कर रखा है इसने। दुखी क्या कर रखा है? मैं दुखी नहीं हूँ, मगर ये भी मेरे से दुखी नहीं है। और ये हालत ये देखो, इसी वजह से तुम कैसी बातें यहाँ पे कर रहे हो। मैं सिर्फ एक प्रैंक करने जा रहा था, और ये लड़की मेरे को धमका रही होता तो पुलिस में जाके कह रही मैं नहीं जा रही यहाँ से, कब्जा करके बैठी हूँ घर पर, जो करना है उखाड़ना उखाड़ लो, जिसको जो बोलना बोल लो भाई। यही तो ये सीधी बात है ना, बताओ मैं क्यों जाऊँ? देख रहे हो आजकल के दंगे फसाद इतने तेज तेज किए कर रही है ना, जो मेरे साथ है आप लोगों को पता नहीं है। अगर मेरे को ना सीसीटीवी कैमरा लगवाओ, मैं कह रही हूँ भाई, मैं डालूंगी फिर वीडियो धड़ा पे धड़ा पर धड़ा पर वीडियो धड़ा पे धड़ा पे। नॉर्मली मैं इससे बस प्रैंक करने वाला था, ये तो बातों को कहां से कहां लेगी भाई। पापा मम्मी को बुला लो, ओवर कर दो। मैं यार बात क्या करने लगा, ये तो कहां से कहां पहुंच गई, सीधे कहां से कहां पहुंच गई। मुझे क्या पता था कि महाराज जी आपने कैमरा लगाया हुआ है, तो कोई बात तो यही बात होती है। वही तो बात बोल रहा हूँ, ये लॉजिक मैंने कोई गलत बात नहीं करी, मैं तो प्यार से बात करी है सारी। मैंने तो एक बार भी आपसे कोई अच्छी बात नहीं करी, एक मिनट में अभी कोई बात नहीं, वीडियो बनी होगी कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड होगा। मैंने चिल्लाया तो है ही नहीं, मैंने बदतमीजी करी ही नहीं, मैं तो सीधी बात करी है। मेरे को कैमरा पता नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को आ रहा है कि नहीं एंगल वैसे, अरे जो भी आ रहा है नहीं आ रहा, बात तो वही है ना हमारी, ठीक है। उसमें देख लियो गलत कौन और सही कौन है, ठीक है ना। मैंने कुछ बोला हुआ? कमेंट गाइस कमेंट। अच्छा हाँ, थोड़ा सा लग सकता हूँ मैं गलत, क्योंकि स्टार्टिंग की बात उनको पता नहीं होगी। अगर आप लोगों को कहीं भी लगता है कि मैं गलत हूँ तो प्लीज नीचे वीडियो कमेंट। और इसका मेरे से एक बार भी ये नहीं पूछता है, एक जो वाइफ हो रही है ना उसको ये पूछना होता है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, नहीं मैं क्यों चाहिए, क्यों परेशान हो रहे हो। उसको ये नहीं हुआ, उसको ये हुआ कि भाई मैं तो नहीं जा रही, डंके की चोट पे बैठी हूँ, जो करना कर दो। डंके की चोट पे बंदी को जा रही है, बंदी को ये परेशानी नहीं हो रही की जो पता चलेगा ना ऑन रोल ऑन कैमरा ऑन एक्शन। तो गाड़ी की जो बाल खींचने लग गई ना आजकल, जो नए नए करना हमें सीख रही है, जाके कैमरा बंद करा।
हमारी लड़ाई सॉल्व हो गई ना इस बात से। लड़ाई अभी सॉल्व नहीं हुई भाई, कैमरे के बाद लड़ाई बढ़ने वाली है ठीक है। तो मतलब लड़ना ही नहीं तुमसे। हाँ ओ कैमरा दिखने के बाद इतनी प्यारी बात कैसे कर दिया आपने? मैं लड़ती नहीं तुमसे। इतनी प्यारी बात कैमरे के बाद कैसे कर दिया आपने? चित्र भी खराब कर दी मेरी भी छाई हुई। ये देखो ये भी मैंने खराब कर दी, उछल कूद खुद रही है, खराब मैंने कर दी। मैं एक जगह से मेरे को लगता नहीं शायद ऐसे से ऐसे हुआ टेंथ, चित्र मैंने खराब कर दी। कोई बात नहीं गाइस, आप लोग ने वीडियो को ना शेयर जरूर कर देना भाई। हर एक हर मर्द के पास पहुंचनी चाहिए भाई ऐसी वीडियो की, भाई कौन कौन अपने बीवियों से ऐसे परेशान है या कौन कौन फंसा हुआ भाई आज बोल दिया ना तुमने परेशान है तुम मुझसे, कौन बीवी के साथ फंसा हुआ है ठीक है भाई। फंसा हुआ है कि बंदी सीधा अकड़ के बोल रही है कि भाई मेरा घर मैं यहीं बैठूंगी, जो पाड़ना है पाड़ लो ठीक है। तो भाई वीडियो को शेयर जरूर कर देना ये वाली, और ना कमेंट आ देना चाहिए फटाफट से कि भाई कौन कौन इसकी क्या दशा हो रही है। मेरी दशा ना भी आप सो नहीं सकते, जो चेहरे के हंसने के पीछे वो जो सुनी होंगी ना आपने कुछ कुछ। I'm proud of me, बहुत प्राउड कर रही है ये, she is very proud on herself, है ना? Right. Shut up. वीडियो बंद करो चलो। क्यों देखो मेरे को धमका रही है, अभी वीडियो बंद करो, कैमरा खुला ही हुआ भाई, अभी भी धमका रही, वीडियो बंद करो उसके बाद बात करेंगे मेरे साथ। अभी भी अब इसके नजारे और नजरिए सब बदल रहे हैं धीरे धीरे यार, मैं क्या करूं, मैं ये सोच रहा हूं कैमरा बंद कैसे करूं जाकर, कैमरा बंद करूं तब तक बचा हूं, कैमरा बंद करते ही मेरे को पता नहीं इसने जो हाल करना भी मेरा।